जल्दी है लक्ष्मण देखी सो मैं तो वो कथूंगा इसका है वो तो गाना गाल दे इस कथे करे कर आई देखा है पहली बार कितना श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुभा बरनौ रघुवर विमल जसु जो धायक फल जा बुद्धहीन तनु जानकी सुमिरौ पवन कुमार बले बोधि विद्या देहु मोहे रहु कलेश विकार या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेन्द्र संस्कृता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः परम पूजनीय माता भगवती श्री जी शीतला मैया के गोद में बसे ये पावन गांव फुलबहरा आवाज के रामचरित मानस के सुनैया जतेक संत समाज बैठे सकला है राम कथा सुनत आदरणीय विद्वजन संत जन ज्ञानवान भैया हो उपस्थित मोर सद्धमती माता हो मोर प्यारी प्यारी बहनी हो मोर नान्हे बाल गोपाल संगवारी हो
उपस्थित समस्त आयोजक नौजवान साथीगण, गांव के वरिष्ठ प्रबुद्ध जन, मुरादो संचालक महोदय, आप सबों के श्री चरण में श्री राम मानस मंडली पीपन हट्ठा वनवा छोरा के नन्हे नन्हे लैका मन की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। आज बड़ा ही पावन समय है, हर्षोल्लास के पल है, खुशी के अनमोल लम्हा है, सुख के वो सुंदर दिन है कि बसंत पंचमी के पावन मेला में ये सन 2024 के आगमन के साथ ही अपन आंगन में, अपन परिवार में, अपन समाज में, अपन हृदय में बसंती बहार की अपेक्षा लिए ये गांव फुलबहरा में सुंदर राम कथा के आयोजन, अब आप सबके अटूट श्रद्धा भक्ति आस्था विश्वास कि आप सबके हृदय में ये तिलमिलाती गर्मी में भी रोमांचित हुआ थे राम कथा के प्रति आतुरता, अब आप सबके पुण्य के फलाझोमल मिले हैं कि आप सबों के बीच में सत्संग करे का अवसर मिला थे, आप जैसे संत समाज के श्री चरण के दर्शन करे का अवसर मिला थे, आओ अपन जीवन लकृतार्थ करत कथा यात्रा अरण्य कांड के भजन के बाद श्यावर रामचंद्र की जय। पतित पावन रघुनाथ के सुमरन बारंबार कर दया ही अवध पति शरण पड़ो सोबा सीता की गोसैया रा
बनवारी प्रभु मोर तोला कर थो ना मन पितकारी हर मोर तोला कर थो ना मन देख लो पिया मेला तेरा खैया देख लो पिया मेला तेरा खैया तोर सत सत मन बनवारी लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओ लक्ष्मण अति लाघव सो नाके कान बिनु किन ताके करे रावण कहा मानव चुनौती दिन उपस्थित मानस के श्रोता समाज कथा प्रसंग हिरण्य कांड अभी जंगल की घटनाएं त्रेता युग में जब स्वयं ब्रह्मा नारायण हा नर के रूप में अवतरित हो रही से या से लगभग 183,000 साल पहले की बात है। ये अभी के नो है, ये 83-82 साल के नो है। जला ना हमार ददक 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 कई पीढ़ी नहीं जाने आदमी 83 साल नहीं जिया था तो 183 साल जानवे वो तो एक दो झन डोकरी डोकरा दिखते था ना हमारे तो इन डोकरी डोकरा के 20,000 के कहाँ दिखते सब जवान जवान थोड़े यंगस्टर 40-45-50-55-60-65 से ज्यादा उन्हीं दिखी है नहीं थे तभी थोड़े घटना है 1,00,000 लगभग फिक्स नहीं है हुआ है ना कबर कब के ना एला ना तो तुलसीदास माने कवि मन लिखे है वेद न जाने पुराने न जाने वेद न जाने पुराने न जाने और राम के महिमा राम ही जाने मतलब कोई संत जाने न कवि जाने न महात्मा जाने न लेखक जाने न साहित्यकार जाने न भक्त जाने कोनहोल पता नहीं यक्ष गंधर्व किन्नर दाना मानव जलचर थलचर नपचर किसी को पता नहीं न कोई रागी जाने बैरागी जाने संत जाने कवि जाने ये नहीं तो हमन काला जानबो बढ़िया कात्र संचालक है नवा नवा सीखत हो तो सकी हम सब नामा चाहिए या कोई जुन्ना नहीं हो सके राम कथा में कोई जुन्ना हो ही नहीं सके कोनहोल मालूम ही नहीं है एक बारे में हम का जानबे हमन तो कोई संत न कवि न महात्मा न कहीं नहीं छोटे छोटे कलाकार हरन जो मस्त राम कथा के माध्यम से कलाकारी करा था अतकी हमार हैसियत अतकी हमार औकात है नहीं हम ज्यादा से सखी मार भी नहीं सका सुबी पर हट्टा कतेक दूर है ये पेंड्रा कतेक दूर है ये मेरकी डबरी कत है सखी मार में सब जाना थे उतकी चाल हमारो मागी लगे जतका काकरों लगे रहते ये सही है ना हम कोई संत महात्मा भक्त कवि थोड़े न भाई हम सिर्फ एक कलाकार हैं छोटे से जे राम कथा के माध्यम से कलाकारी करा था जिमें नामों मिला थे इज्जतों मिला थे पैसा मिला थे झलका सही भातों मिला थे रौंदा दरी सही उलंड उलंड के सुतेल मिला थे उका चाही तो हम इनका फोकला जानबे है परसोदा स्कूल में झंडा प्रश्न पूछी महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा इसे तो महात्मा गांधी का नाम तो मोहनदास रही से मोहनदास गांधी रही से पर अचानक कौन महात्मा कही दी इसकी महात्मा गांधी बन गए गुरुजी मन टूरा मन कहते बताओ रे हाथ उठाओ कौन जानते हो कि टूरा मन कहते हम नहीं जानन सर लड़की मन पूछी तू मन जानते हो लड़की मन कहते हम मन नहीं जानन सर गुरुजी मन कहते हम मन नहीं जानन रे मैडम माला पूछिस क्यों मैडम आप लोग मालूम है क्या मैडम मन कहते छी दई तुरा काय कर पूछते हो मनी जाने तो न लड़का मन जाने लड़की जाने न मास्टर जाने न मैडम जाने तो प्रश्न पूछे रे ती तुरल की हम नहीं जाने यार ती बता प्रश्न पूछे तब ती जाना थोबे तभी पूछे है और रम हो गले से गले
रंग भी नहीं मालूम सर। बस उसने ये रामचरित मानस के कथा है भैया, जिलक कोई नहीं जाने न कोई समझ नहीं पाए। हाँ, अपन अपन भाव से, अपन अपन विचार से, अपन अपन हिसाब किताब से जतका तथ्य रखना रथे समाज के प्रति, भक्ति के प्रति, वैराग्य के प्रति, ज्ञान के प्रति, अपन अपन मत से तर्क एक अंदाज जे तथ्य लिया रखते जनमानस के कल्याण बन, लोग बाग के सुधर जाए के एक एक विचार है। तीन तीन दिन तक के यहाँ कुकुर नीचावे है, उत्तम रात और दिन यहाँ उड़ाल देते दे हैं, घर में मध्यम हो गए वो काक सती कि कम से कम अगर विचार कहूँ गलत हो तो रामचरित मानस के माध्यम से अपन विचार बदल दे, अपन सोच बदल दे, अपन तर्क बदल दे, साथ साथ राम कथा जिया भी होते ना, वो गांव, वो प्रांगण, वो बस्ती, वो समाज, वहाँ सुख और समृद्धि आते, या अभिर्थ नहीं जाए, अभिर्थ नहीं जाए। भगवान के भजन में, भगवान के भगवत कीर्तन में है ना, अगर पैसा लगावे, अर्थ लगावे ना, वो व्यर्थ नहीं जाए। चेदत की पैसा लगावे ना ये रामायण पोथी में, जत की दान पुण्य करवे ना उतकी तो भगवान दही, और 10 रुपया करवे 1000 मिली, 20 करवे 2000 मिली, 100 करवे डायरेक्ट 10000 मिली, सुने 500 करवे 50000 मिली, 10000 करवे 1,00,000 मिली, अब कहाँ मिली? सूट के धर के भगवान तो घर के माटी में खड़े रही, 100 रुपये चढ़ा है तो रखे रखी, कहीं से भी मिल ही पर मिल ही, तो जत की चढ़ावे तत की मिली, 1,00,000 चढ़ावे 1,00,00,000 मिली, घर द्वार खेत खाल सब भगवान में दे देवे ना, राशन कार्ड मिले मुला है, आधार कार्ड मिली, जाप कार्ड मिली, स्मार्ट कार्ड मिली, कार्डेज कार्ड मिली। जतका है तोर में सामर्थ तत की चढ़ा, पर चढ़ा और चढ़ाना चाहिए, मजाक नहीं कर रहा तुम्हें, एक से बढ़ चढ़ के भाग लेना, बढ़ चढ़ के भाग ले, एक से बहुत सुकून मिलतेगा, बहुत शांति मिलतेगा, बहुत समृद्धि आतेगा, गांव में कोई प्रकार के रोग रही नहीं आएगा, समाज में कोई घृणा घृणित नहीं होगा, समाज में वह नस्ता नहीं बढ़ाए है। ये राम कथा के महत्व है। हाँ, शरीर के अंदर में रहते थे पाप कट जाते, एक आध कनी कहूँ आदमी के विचार कहूँ अंड बन रहते थे, विचार बदल जाते, अब निज बदल ही तक इसे कर भी है। अब 3 दिन हो गए सुना तो काली बार फिर सुन के सुन हो जाऊ तिलकाय करी ना, कब रुसने थे जी ते कत को बदल, बदलना नहीं चाहे आदमी, अपन नेचुरल प्रवृत्ति नहीं छोड़े, अब ते बरहल बैकुंठ ले घूं कबे बहिनी तो का काम की है, नहीं बरहल बैकुंठ ले घूं कबे तो खैता है। भगवान विष्णु की से घम ब्रह्मा बरहल बैकुंठ जाबे का बरहा, बरहा कथे वहां का है महाराज, अरे वहां तो सुख समृद्धि है, वहां तो ऐसा राम है, यहाँ कहां तरिया पार में रोड तीर में घुमा था उसकी, बरहा चल महाराज चल दे थोड़ी से कि किस वह देखी सुना खुश हो गए बरहा, बुर बुर कर गद्दा मुंडे यौ कहीं सुते ओ जितना मजा भाई, जेकर ना सुख हो शांति तेकर ना बैकुंठ है, अति आनंद हो गए, पर 8 दिन हो गए बरहा सुखाल धल ली। विष्णु कथे कैसे सुखा था बरहा, किसे सुखा थकते हैं बरहा कथे का करूं महाराज, तोर बैकुंठ में सुख के कोई कमी नहीं है, पर मोर बर सब खाता है, कैसे यहाँ सब कुछ है पर वो नहीं है, तरिया तीर वाला माल नहीं है, रोड तीर वाला माल नहीं है, है? ना भगवान विष्णु की इस इंद्रालय जा रहे वेला कोनो सेफ्टी के लफोर के ना एक मुड़ी लेक घंटल बोर दे रखी के जतका चुचरी चुचरती की, तो इसने जेकर प्रवृत्ति घिनौना है तेला कतको कथा सुना, कतको भागवत सुना, ओकर विचार जिन्हें अच्छा नहीं है मतलब वो नहीं बदल सके, वो नहीं बदल सके। हाँ, अभी रामचरित मानस चरित्र निर्माण की ही तो कथा है। हाँ, जब भजन के बाद
श्यावर रामचंद्र की जय। तो एक दिन की जिगर है एक रात की कहानी, अंधी माता पिता के कारण श्रवण घर में गया था पारी। तो तुमने आवाज सुन के राजा सबसे दीवाने छोड़ दिया, जा लगा तेरे सीने पे श्रवण जग से नाता तोड़ दिया। सावन कहे मोहे बादल प्यारा, साधु कहे मोहे धाम, प्राणी कहे मोहे जान प्यारा, भक्त कहे मोहे राम।
लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओ। ये अरण्य कांड है रामचरित मानस के तीसरा कांड। जिला शारीरिक दृष्टि से नापेगी सना आकलन करेगी तेला पेट के कांड भी कहे गए, क्योंकि रामचरित मानस के 84 प्रसंग हमर शरीर के 84 अंग के व्यथा के ही कथा है, व्यथा के ही कथा है। हर एक अंग से हर एक प्रसंग हमर जीवन से जुड़े हैं, बस आकलन करना है हर एक अंग से, है ना। इला पेट के कांड ठेकर सती कहे गए है, हमन जतकन खाथन पीथन पीथन खाथन कहाँ जाते पेट में, पेट से शरीर में रासायनिक क्रिया हो के ये काय बनते, ऊर्जा बनते, शक्ति बनते, जे हमारे शरीर के प्रत्येक अंगला जतका जतका जरूरत पड़ते तत्का ऊर्जा देते। तो हमारे शरीर के स्वस्थता का कारण का है पेट। हमारे शरीर स्वस्थ है सिर्फ पेट के वजह से। हमारे शरीर में जतका बीमारी कारण का है पेट। पेट तोड़ साफ है जिंदगी भर तोड़ तबियत छिकासी तक नहीं आए, अब पेट गड़बड़ है फिर अंटियासी लागी जमासी लागी कान तेपी बुखार रही मलेरिया हुई टाइफाइड हुई अव कहीं हुई बीपी बढ़ी नींद लो हुई नींद घिलर में नींद कांख में कुछ कहीं हो, है ना। तो संसार में सबो बीमारी कारण का है पेट। कमामत का बरहत पेट भर आदमी कहते नहीं पेट भर, चाहे फटफटी ले तो फट कहीं ले दुनिया भर कर, पर कमात का बरहस पेटेज के नाव लेके ना एक बीता पेट के नाव लेके कहते नहीं। अब पेटेज भरे भाई है एक कमाए भर खाता नहीं खाए भर कमात जियत का बरहस है कमाए भर खाथस नहीं भाई खाए बार कमा था दोनों में एक ठन हुआ थे जी ना। ए पेट कहूं नहीं होती ते न संस्कृति होती न सभ्यता होती न ते बने होते न मैं बने होते न राम रामायण होती नहीं कहीं भोकला नहीं होती न कोई कमातीस न कोई धमातीस न लुगरा का बड़ा कहा के गहना महाना सोना पेट चीज आती खाए जरूरत जी नहीं तो कौन कमातीस तमाशा लगाए बात जतका आतंकवादी नक्सलवादी गरीबी भुखमरी बेकारी ये सब का कर कारण है पेट के वजह से ही होते, पेट के वजह से ही होते। तो पेट ला साफ रखना है तो तमीज से खा, है ना, साफ सुथरा रहना है। दो घाव खा कमास ते मत कमा, 9-10 बजे खा 6-7 बजे शांत कुन खा, पेट खाल खाल साफ रहेगा मजबूती रही है नी। अब कद का खाना है तो 60% चावल या रोटी 40% पानी, इला पी तब शरीर स्वस्थ रही। खाए बेर बीच में पानी मत पी, एकदम इमरजेंसी अटक बे तबे पी, मजाक नहीं करो खाना पूरा खाबे तेकर बाद पी, ये नियम है खाना खाए बने हो बने रहे के, है नी। ये तो कहूँ कुकरी मछली बोकरा है ते दिन तो ओड़ा कात ले भातेल खा दे था, पानी बर बने जगह नहीं है तब हुलकी नहीं डाटी अन पचक नहीं हुई। अब बीमारी ये कर सती की सिला कि राम जब बरमास घिसना ओला कोई टेंशन नहीं रही, कोई समस्या नहीं रही। कबर जिस सरोवर में पानी नहीं रही सना वहां पानी भरा गया, घास मन जो कच बचाते ना वो एकदम नरम नरम हो गई, जैसे क्रिकेट के मैदान में रहते ना हो जे में रेंगबे ना लस 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 करते ना तीसने हो गई है, जे में पत्ता नहीं लगी ते पेड़ में पत्ता लग गई, जे फर जेकर जे पेड़ के फर करू रही ते मीठ हो गई, जे में कभू जन्म भर फर नहीं लगे ते फर लग गई। कब जब राम राम जंगल किसने वनवास के रूप में तब रास्ता गोटी मन अपने अपन खुद दे कांटा मन अपने अपन खुद दे, जे रास्ता में राम रहेंगे ते में पानी कहूं गिरतीस न राम लनी परे, मजाक नहीं करो जी में। हाँ
मनमाने घाम भगवान ला लागबे च नहीं करे एक जोड़ी कपड़ा में राम ला जान मान कहीं च नहीं लागे जान लागन नहीं दे जी उस टाइप के रही से जी ओकर कपड़ा महिलाए नहीं तो मरबे है त्यार दिन मत का जो अस बस साबे हम तैन फिर देख है नहीं कतको माछी तोर पीछू नहीं छोड़ी भावर झूमे कैसे हो जाए काक सतिक जानथस उत्कित तो समझाना चाहत उत्कित तो बताना चाहत काक सती जाना थो जहा सुमति तहा संपत्ति नाना और जहा कुमति तहा विपत्ति निधाना राम लक्ष्मण सीता वनवास गिस इस टाइप के काबर हुई विचार अच्छरी से राम के स्वभाव अच्छरी से विनम्र स्वभाव के रही से विनम्र मतलब सहज स्वभाव सरल स्वभाव मधुर भाषी मिठास है ना जेकर में झुके के क्षमता है जे बड़े और छोटे जाने उस टाइप के स्वभाव रही से उकर में उस टाइप के व्यवहार रही से ये उदार भाव के रही से उदार मतलब जे सब कुछ दे देते समय परे ना तो अपन प्राण घलोक दे देते उस टाइप के विचार रही से है तो कैसे तेंदु नहीं फर जही कैसे तेंदु नहीं फर जही कैसे कर रख फर हम मीट नहीं हो जही और तेज आज 14 साल के वनवास जे तेंदु फर रही ना तहु पहली झर जही कमीना मोर खा मत देखी मजाक नहीं करो मैं मतलब हमार इतना विचार गंदा हो चुके हैं हमार प्रवृत्ति इतना बेकार हो चुके हैं ते फर लगना भी पसंद नहीं करे मौसम डिस्टर्ब हो जाते हाँ प्रकृति अपन नियम बदल देते रोज बाधा रहा थे जत की बेर पात गर्म थे जत की पेड़ जाड़ लागा थे औ कहीं लागा थे जेल खांसी धर डरी ते धरी डरीस मेरे जाओ साले हो की कत को दवाई खावे मौसम सही नहीं है अब समझ गए हम नहीं समझू समझ ही हीरा बतर वाला ओम प्रकाश बाचे खोजल फुल समझ ही तो मजाक नहीं करो ठाड़ भाषा में तब अपन अपन अंचल समझते नहीं जी है इसलिए विचार बदलो चरित्र के पूजा होते चित्र पूजा नहीं हो मैं कहो ना चरित्र निर्माण की कथा है चित्रक पूजा नहीं करे चित्र चाहे कैसनो अच्छा दिखे ओकर नहीं हो चरित्रक पूजा होते काकरो चरण न धो के पी के उछरे वन नहीं सोचे ओकर आचरण न धोते स्वभाव धोते ओकर नेचर के पूजा होते प्रवृत्ति पूजा होते व्यवहार के पूजा होते स्वभाव पूजा होते अब चित्र जोरदार दिखा थे दग दग ले गोरी नारी दिखा था और मज होमा सोनाल और माए हा लाल लाल कहीं लहू पिए सन लिपस्टिक लगाए है आँखी बिरौनील पतराए है और चाल में आगी लगे है तो कथे ना महिला मन है ये दे बड़ सुंदर है वो फिर का करे बहनी एक चाल में किरा पर है वो आगी लगे हो कहा तरह से नहीं है तेकर सती कोनो शायर शायरी लिखिस उसके होठों पे कुछ तो था उसके होठों पे कुछ तो था न जाने क्यों शर्माती थी उसके होठों पे कुछ तो था न जाने क्यों शर्माती थी एक दिन लड़की हंसी तो पता चला वो कमीनी माखुर खाती थी बस उसने थे संसार अब पेट के गाल लेकर सदी बतात रहे भगवान जब बनवास गिस कोई प्रॉब्लम नहीं रही प्रॉब्लम कहाँ दूर हुई समस्या कहाँ हुई ये अरण्य कांड के है ना ये दोहा नंबर 17 के पहली इचे से ना रामचरितमानस में या लंका के ऊपर खतरा मंडराय शुरू हुई देकर से ती दोहा 17 नंबर में रखे पूरा खतरा कर दी वाह वाह 17 तो जी 17 ताजी है आदमी भी कथे नहीं 17 बार हो गया तेरे को मैं समझा रहा हूँ एक को घाव नहीं कह रही तब वो 17 बार हो ना अबे व्हाट इज दिस 17 ये 17 क्या है हैं ये 17 मात्रा क्या है ये 17 क्या है
मोहनी जानो फालतू टाइप के घुमा मोहनी गोठ हाँ 14-17 में कुछ तो बात है कबर 14 शब्द का उपयोग रामचरित मानस में बहुत हो 14 जन 17 बाल ने सम थी राम ला 14 साल के वनवास हुई मकर संक्रांति 14 तारीख के होते है नहीं इस टाइप के नहीं है हाँ 14 बार एक बार शब्द का प्रयोग करी इस रामचरित मानस में है 14 भुवन होते ये है 14 क्या है है आदमी कहा था नहीं 14 कहाँ हो गए तो कहाँ थे कहाँ 14 गांव के हैं सब द्वैत गांव के हैं कथित ली कहा है और रामायण ना सुने नहीं होई नहीं जाना थे तब बोल महिला मन कहीं चिन्हित पुरुष के 14 गांव के जी ये लग कहाँ थो कहाँ 14 गांव के हैं एक के दो गांव के हैं पर कथे का बार 14 उसने कहा था थे भाई तब सब जाना थे 17 बार हो गया तेरे समझा रहा हूँ समझ नहीं आता क्या कहाँ 17 बार समझाया एक गांव समझाया है पर है क्या तबे 17 नंबर में दोहात किया कल में जान थो इंचेस खतरा शुरू हुई सुरपनाखा नाक कटिस अब खतरा शुरू हुई अब कटिस का बार भात खाल जाओ नहीं लोग लेकर लेगो अब चिल मिला थे सोच भाई अंखा पंखा में लेगो तो रामायण के चक्कर में किंझा जी हो हम मन कंझा जा था तुहन नाव लेके यह लड़का खिला के जगह नो है तो घर में खिलाओ लड़का लोग बाद में रिकॉर्डिंग करके सुना दू जी मजाक नहीं करो नान नान लड़का भयानक गर्मी ना हमल किल मिल 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 लाग जाते हाँ तो रामायण के चक्कर में बोला सर्दी लग जाई था हाँ तेरे 17 बार समझा नहीं माने उसका ठीक है बोले श्यावर राव चंद्र की जय शालिग्राम नायक खीरो नायक ओंकार नायक छोनित होनित नायक फुलबहरा वाले की तरफ से पूरा 100 रुपए का सदान अर्पित है तथा सागर लादन पारा वाले की तरफ से 50 तथा दुर्गेश नेताम की ओर से 20 रुपए का सदान अर्पित है एक बार जब दान करे तिकर उन पर ताली बजा दो भाई बोलो समस्त दान दाता की 100, 50, 21 के बदला में हजारों करोड़ वंदन से सराबोर करे इकर हर मनोकामना पूरा करे पुत्र परिवार सुख समृद्धि दे नौकरी चाकरी दे वन अधिकार पट्टा ज्यादा ज्यादा मिले जंगल फूल कटवा ही आशा के साथ बोलू कर जीवन भक्ति की जय उगर कुटुंब परिवार की जय तो संगत कर ले साधु के भोजन कर ले खीर बासा कर ले बनारसी मरना गंगा तीर अरे का संगत कर बे साधु के पाछू पाछू तोला घुमाही अरे संगत कर ले बेटा के कमा कमा के खवाही अजी का संगत कर बे बेटा के काबर कका लाल आंखी देखाही संगत कर ले नारी के जिंदगी मा सेवा बजाही अरे का संगत करबे नारी के काबर जी तोरे मरे मा दूसरा बनाही अरे संगत कर ले प्रभु राम के भौले बेड़ा पार लगाही Thank you.
एक बार की बात है, जब भगवान 14 साल में पंचवटी माने 13वां साल जब पंचवटी में निवास करत रही से तुलसीदास जी महाराज लिखे, एक बार प्रभु आसीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार की बात है, जब भगवान राम
लक्ष्मण सीता सुखपूर्वक पंचवटी में निवास करत रहे। सुखपूर्वक ये दुख भरे संसार है, जब एक पल भी अगर आदमी कहीं सुख मिल जाए ये बहुत ज्यादा है। एक पल भी कहीं सुगुन मिल जाए, एक पल भी कहीं सुख मिल जाए, एक क्षण भी कहीं शांति मिल जाए तो एकल अब अच्छा पल हो ही नहीं सके। क्या बार यहाँ दुख भरे संसार है ना, ये सुख भरे संसार न है, यहाँ सुखित बहुत है, सुख के संसाधन बहुत है, फिर भी आदमी दुखी, फिर भी आदमी दुखी। कबरों काकरों मन में संतोष है नहीं है, नहीं तो मन जाना थो यहाँ जन्म धरे मतलब तोला रोना है, जन्म धरा उस सोच बार रोए शुरू कर है नहीं तोला कैसलों करके रोना पड़ेगा। तो मन जाना तो बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा, बड़े भाग्य में मानुष तन मिले है साथ साथ आदमी है, जे आदमी है जिला भगवान इस विशेष रूप से दो ठन चीज लदी, पहला ज्ञान दूसरा हंसई। आदमी चाह हंसते अब कहीं हंसत देखे हो, हंसत हो तब का जान में कुकरी कुकरी भाषा जानी, चिड़ई चिड़ई खग जाने खगी की भाषा, जौहर की गति जौहर जाने, विरह की गति विरह जाने है। पर मैं इनसे हंसते डायरेक्ट तो दिखते भी हंसा थे कि है नहीं भाई, जानवर भी हंसती तो दिखती से हंसा थे भैंसी अमर की लागती से नहीं, पर नहीं हंसे हाँ हंसते चैतन्य नहीं जाना भाई। अब कुकुर की कहा था आदमी मन कहते कुकुर रोवा थे, बोला कैसे पता कुकुर रोवा थे, कब हंसा तो इता आन वो गुल 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 पर नीच हंसे हाँ से बात नीच हंसे मैंसेज भर हंस थे जे तल पाए बर देवता मन घलोक तरसते, देवता मन घलोक सोचते कि मुहूल एक गांव मैंसे जन्म दे दे, कबर स्वर्ग हम भले सब कुछ है वो तो नहीं है, एमडी से एमडी है बैलर सैलर मोकरा मोकरा तो नहीं है, अरहा बरहा तो नहीं है, जल आदमी खा के क्या तात गुलागुल हो देते सब तो है वहाँ पर वो तो नहीं है, उकरो मन तो हो तो ये वहाँ काश मैं भी साला चौहत्ता मैं भी थोड़ा से बहुरा चल नहीं मिलो मतलब इतना अच्छा नहीं है, स्वर्ग भी फैल यहाँ जितना सुख पाना चाहबे पाले कर तोरे चुपर है, पर मेहनत करबे तभी सुख पावे, ये फोकट के चोर खा खाक नहीं पास बता तुम्हें सुने। तो मनसे हंसना चाहिए नहीं जन्म धरते साथ है, पर पैदा होते साथ आदमी सीधा लड़का सीधा डायरेक्ट रोही जी जन्म धर रोत कथो में नी रोही ना चिमक के रोही झटकार के रही पेट लमसक के रही ओकर नाक ल फूकी कान ल फूकी मुंह ल फूकी लड़का कैसे नहीं रोथिया, लड़का कैसे नहीं रोथिया, लड़का कैसे नहीं हंसथिया कि केको जन के है सुन मन जा रही तो नहीं कहे ऐ मितानिन मितानिन मन लड़का कैसे नहीं हंसथिया कि मोय सिर्फ 700 रुपए नहीं मिली का मौके की भूल से भी काकरो लड़का कहूँ पैदा होते साठ कहूँ हाँस दी ना तो कर महतारी नार फूल सुधा भवाक फेंक दी मलिका कैसे नहीं हंसा दई घर तो बितारी मलिका कैसे नहीं रोते यहाँ हंसा थे कहीं लहूड़ की काते की अपनों आँखी काला लड़े दी बितारी घर को लड़े दी लड़का तीन दो जन मर जाएगा तो कबरो भाई लड़का को हाथ दी तो मितारी जब दी नहीं लड़का था सत्य दी नहीं ये दी तो सब जन्म धरो सोच भाई रोत कथों में है, एक कनी खोई तहन दूध पिए बार रो, एक कनी खोई तहन चॉकलेट खाए बार रो, फिर बाढ़ है तहन पढ़े नहीं जाओ कि रो सोच भाई पढ़ेल कहूँ चली दे फैल हो गए तेरो पास हो गए ना तो नौकरी नहीं मिला थे तेरो, बिहार हो गए बाइक ना हो लेके फुल रोकत हो
वो सालेज भरे ए जी ओ जी लो जी सुनो ओ जी मैं हूं मनी मौजी। वो सालेज भरे निमान से साल भर के बाद कहां जाता जी बोला आहा तो चट पीच पीचिर पीचिर को ठेज बुद हो जवा सुद दिवा कहा तो थनी आदमी है हैं हो लड़का के तह लड़का के नाम ले करो बुढ़ापा के बीमारी के नाम ले करो एक दिन हंसते आदमी है मोल फाड़ दे रहे हां ते दिन तो मर जा रहे हैं तो यहां रोना है। ये दुख भरे संसार में अगर कोई सुकून है ये हरे सुकून के पल ये हरे सुख के पल ये हरे सत्संग के पल जेकर बारे में तुलसीदास जी महाराज लिखे तेकर से दिमोड़ाल देख सुनो कथो वो तो उठ उठ के खवई की बूता एक आवा थे एक जावा थे फिर खावा थे कही रही चूली टाइप के साले एक तो एक घाव खाए बर एक कर देकर वांसा खाना है मतलब डायरेक्ट पूरा बैठा दो एक घाव खाओ फिर उड़ल देख आओ नियाने घर में जाओ है नहीं भाई पेट भर के अपन खसा के ना साल ये तमाशा करे रवि ऐसे रामचरित मानस में तुलसीदास जी एक बहुत अच्छा लिखी सुंदर कांड में तात स्वर्ग अपवर सुखा और धरिय तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सतसंग ये सतसंग से ज्यादा सुख ना यहाँ कोनो नहीं मिले ई हरे सुख के पल जब सबो जन मिल के बैठ जाए सब कुछ ला कनिक छोड़ दे हस घर परिवार ला छोड़ दे हस माया मोहन छोड़ दे हस खेत खाल ला छोड़ दे हस दस मिनट तो अच्छा लागत हो गीत संगीत चलत है एकर से हृदय में झंकृत होते संगीत से है ना शरीर में स्फूर्ति आते ब्लड के सर्कुलर जाम रहते ते चले शुरू हो जाते संगीत में बहुत ताकत है हर चीज के ताकत है है राम कथा से जीवन के व्यथा समाप्त होते हाँ एक कनिक शांति मिलते राम शब्द कभी हृदय में कोई इंद्रिय के माध्यम से गुजर जाना है कान के माध्यम कानेज के माध्यम से गुजरना है नहीं कहीं हृदय में भी गुजर जाते शरीर के अंदर में बीमारी खत्म हो जाती मजाक नहीं करा तुम्हें अगर तुल विश्वास है नहीं तो फिर मनोरंजन है फिर मनोरंजन ऐसा नहीं कबर उसने ताय संसार है मनोरंजन के दुनिया जी दिखावा संसार है हम मन का बार दिखाज बढ़ता है यूनिफॉर्म पहन के है नहीं सब तो जाना थे फलाना टूरा है फलाना भाई है की है टीका कहते नहीं जाना थे बहुत जनी जानते थे दो चार जन मन है नहीं एक दो गाँव तो बस्ती भर जानदारी है नहीं शुरू व्यवस्था हो केहू व्यवस्था वाला है भैया की क्या दिखाना है संसार रामायण हो तो दिखा ये सब दिखावा तो आएगा नहीं अब जो दिखते तो बिकतेगा मुंह वाला के गधा नहीं माने गधा बेचा जाते जेकर मुंह नहीं रहे ननोनी ओकर घोड़ा नहीं बेचा ये प्रदर्शन के दुनिया है विज्ञापन के दुनिया है टीवी में देखबे कितना विज्ञापन आते इतना विज्ञापन हर चीज के है ना सौंदर्य साबुन निर्मा की खाद अब ढंग के बस्सा थे गौ उच्च में अच्छा नहीं लागे ओकर स्मेल है स्माइल अलग ही स्मेल अलग बहु यार मम अंग्रेजी फंग्रेजी ने यानी दूध हल्दी और चंदन के गुण समाए संतूर कहा जाता एक महीना रोज नहा निमान से खजरी उड़ जाती है खजवा दर ही माड़ी माड़ी कर पीरी पीरी चिपा ये हरे तो कैसे घर में विज्ञापन है आदमी झपात हुई साबुन ज्यादा बेचार ऋतिक रोशन देखे नहीं ठाड़ कूद थे प्यास सबको लगता है कि ये बोतल धर के डोंगरी कूद थे मरीद माची हुआ फटफटी सहित पर दिखाना है जी दिखाना है वो कोलगेट वाली डोंगरी देखते नहीं पोषण देता है कोलगेट का स्टांग है पोषण देता है भूभली
कोठन दांत नहीं है फिर कदे कर लो कर पोषण देते कुशियाल चावत हो कि चुचरत रहते तभी ज्ञापन है विज्ञापन है ये सिर्फ दिखाना है मजाक निकर में किसी में कुछ नहीं है सिर्फ दिखावा है पूजा भी दिखावा है तुलसीदास जी भी लिखे हैं पूजा हो ही पर दिखावा हो कर्म भी होगा दिखावा होगा पाठ भी होगा दिखावा होगा हवन भी होगा दिखावा होगा मतलब तामसी तामसी मतलब अहंकार अहंकार मतलब गुरु गुरु मतलब मैं मतलब अहम है ना कहीं ना कहीं अहम है कहीं ना कहीं हमारा घमंड है कि हम लोग रामायण है रामायणिक है ना टिकाए दिखावाए रामदेव के विज्ञापन दे सुने शुद्ध देसी घी कहा था पतंजलि का शुद्ध देसी घी उल में सोचते 15-16 किलो कहूं दहीला मशीन में बिलोथन हमन मशीन में तो मैं लेवना निकलते थे आधा एक पाव घी बनते आधा एक पाव घी बनते 15-16 किलो दही उ मशीन में बिलोबेता हाँ वो घचरक घचरक वाला बिलोबे न हाँ तो नहीं मिले हैं अब अत्यक बड़ भारत देश बड़ शुद्ध देसी घी उल में सोचते ये काकर गाय चरर चरर दुही थे एकर गाय दूध देते धुन डायरेक्ट घीवे देते तब दिखाना है जी हाँ जी देखने से जी हमन पूजा भी करथन फल नहीं मिलेगा सत्कर्म भी करथन फल नहीं मिले ना काक सती कहीं ना कहीं मोर में घमंड है अहंकार यानी उत्कीच अहंकार बस हाँ मस्त भगवान लक्ष्मण भगवान राम ला लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न पूछत रही से और जब कोई जीव ईश्वर ला प्रश्न पूछे जीव मतलब मान लो उदाहरण के लिए मनसे जब कोई मनखे भगवान ला कहीं प्रश्न पूछे ओला रामचरित माना से नहीं वेद शास्त्र में गीता के नाम से जाने गया जब भगवान ला प्रश्न पूछे कोई जीव या कोई शरीर है अब भगवान होकर उत्तर दे तेला गीता के नाम से जानते जमर हिंदू धर्म के ग्रंथ है और रामचरितमानस में रामचरित ही नहीं ये रामायण होते तुम मतलब समझा देते हो गीता हमार हिंदू धर्म के हिंदू ग्रंथ धर्म के ग्रंथ है कुछ तुम्हार घर रहे या मत रहे अतका जरूर सीख लेना चाहिए है ना कुछ रहे या ना रहे सबके घर एक ठन धर्म ग्रंथ होना चाहिए जो 5-10 रुपया मिलते और बड़े लेवे तो अलग मिलते और बड़े लेवे तो अलग मिली पर पूजा करना है मान लो पैसा जी नहीं कहे 5-10 रुपया मिलते एक ठन तुलसी के पेड़ जरूर होना चाहिए है ना ओकर से ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर वो कहीं पूजा पूजनी नहीं है ओकर से ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा निकलते और शरीर में शुद्धता आती सुने रामायण सुना थो ना दू ठन चीज जरूर काली बिल्कुल याद करूँ तुहर अपन घर परिवार में नहीं हो ही बिल्कुल गीता रहना चाहिए सब घर जिकर घर गीता नहीं है वही गिरे घर रीता है याद रखना ओकर घर धर्म नहीं रह सके ओकर घर सुकून नहीं रह सके ओकर घर शांति नहीं रह सके ओकर घर समृद्धि नहीं रह सके गीता का घर काकर घर है हाथ उठा हाँ धन्यवाद बाकी कुकरी कुकरी कौन पोसे हो तो कुछ पोसो मत पोसो पर गीता सब घर रखो बाकी तुहर मर्जी भाई हमार कहे का धर्म है ना होना चाहिए भगवान गीता के ज्ञान देत रही कौन ला लक्ष्मण ला जिला रामचरित मानस में राम गीता के नाम से जाने गए लक्ष्मण जी महाराज जो जीव के आचार्य कहे गए वो निषाद राज गुहल उपदेश देते ना बोला लक्ष्मण गीता के नाम से जाने गए भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय भगवान कृष्ण अर्जुन लजे उपदेश दिस बोला कृष्ण गीता के नाम से जानते ऐसे तीन गीता है राम गीता कृष्ण गीता लक्ष्मण गीता जो हमारे धर्म ग्रंथ है जिसे मुसलमान मन के धर्म ग्रंथ
कुरान हरे, ईसाई मन के धर्म ग्रंथ बाइबिल हरे, सिख कम मन के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है ना। तो इसने हमारे मन के धर्म ग्रंथ गीता हरे। अब एकल ले ज्यादा 6, 7, 8, 10 घाव कही चुके हूं है ना, कि कहीं ना कहीं तुहन मन में रहना चाहिए। पूजा के समय कुछ नहीं है, प्रणाम कर ले, लेकिन एक दीपक जलाए बेर है नी, पाँव पर ले, साफ सुथरा रखो, साफ सुथरा होना चाहिए। भगवान लक्ष्मण प्रश्न पूछत रही से, लक्ष्मण उत्तर देती से, प्रश्न एरी से, ईश्वर जीव भेद प्रभु और सकल कहूं समुझाई, जाते होई चरण रति अशोक मोह भ्रम जाए। ईश्वर काला कथे जीव कोने, भगवान ने प्रश्न पूछत रही से, भगवान ये ला मैं कहूं जानदार होना ते मोर मन के शोक मोह भ्रम, भ्रम मतलब शंका, शंका मतलब डाउट, हाउ कंफ्यूजन, जे हमला शंका है, हाँ हमला शंका है, पति पत्नी के ऊपर शंका है, सास ल बहू के ऊपर शंका है, विश्वास नहीं है का? है नी, कहाँ है कौन होला, बेटा बाप के ऊपर विश्वास नहीं है, और हम बाप बाप कथे जान रू तू कर पैसा है कुछ कर जा खोल लगी, वाह मैं दू कथे उसने नहीं अतिक विश्वास नहीं जी ओकरे पर कमा थती है, सास ल विश्वास नहीं है, मिर्च चल भीतरी में रखे नून नून फोकट के नून ला भीतरी में रखे रथ गुल हेर के देते तेरे छोछ नहीं मुंह के सुंदर गुंदर मुंह के कल बेंदरी जन्म तोला तो जन्म अकारा जाए उसने सास लगा तो इससे से छिछोड़ी है भाई है बड़ी राग दे रही जान है ले वो के ठनरानवेद का इस टाइप के होना चाहिए नहीं हाँ गिन के देते उल ओकरे पर दूध छा रख दे बोल हाँ बासिल बोर दे रहा ऐसे पर पीढ़ा में बैठी हाँ झगड़ा हो तो ऐसे ऐसे थे तो यहाँ कहाँ काकर ऊपर विश्वास है है। लक्ष्मण जी महाराज ने बस उसकी कहा तो इसे कि महाराज मोर मन से शोक भी कट जाए, मोह भी कट जाए, भ्रम भी कट जाए, मतलब भ्रम नहीं होना चाहिए है, मोर मन में अविश्वास नहीं होना चाहिए, कबर अविश्वास नहीं है, संसार में अविश्वास ही है। पिछला चुनाव में रमन सिंह मोबाइल बांटेरी से ना चुनाव के थे, बहुत झला मिली, बहुत झला नहीं मिली जी, बहुत झन डोकरी डोकरी तक मिली, घर घर छोकरी रहते मल मजा मारी, मिस कॉल मार मार के रमन बला एक बूता करी उसने करा थे जी आजकल टोरी मन जी, तो हमारा रामायण पढ़ल का पत्थर हुई, हम रात दिन रामायण पढ़ा था, रामायण मारो रामायण मारो रामायण मारो, यहाँ रा, कहाँ रामायण मार में तो मिस कॉल मार के रामायण खुदे बला था, हम उड़ाल दे भाई जन्म देखे नहीं है कथे मोबाइल ला दू का हम कई झल देखे भाई हम उड़ाल दे दे इच्छे देख दारे हम तो मैं कह यू रामायण बला तीस ला रामायण सुने ला हूँ तोर तो रोल हावे रावण की कैसे थे संसार बहुत झन घर जो कर घर छोकरी रहते डोकरी मन के ले ना बेटा मुँह सिखा दो रे है नी मीह उन्हीं तो ऊपर नीचे अगल बगल करत रहूंगी तो 65, 66, 70 साल के डोकरी और 72, 73 साल के डोकरा डोकरी मोबाइल चढ़ा दी चार्जिंग में सूत गई 12, 11, 12 बजे रात के 6 नींद पड़ती में मोबाइल होकर बाजी सोई कड़ंग 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 तो डोकरी की नींद नहीं खुली डोकराज की नींद खुली काकर फोन आते डोकरी के मोबाइल में कीजिए गंजमझा उठी देखी हमें लिखा रहा है ब्यूटीफुल 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 मतलब तुम बहुत खूबसूरत होगी मैसेज लिखा है डोकरा का माइंड भड़ा के ये कोला नंबर संबर दे दे रे सुंदर गुंदर मुंह के हा इकरे कोटन दांत नहीं है सबो ची गमचुचरे के लिख हो गए मड़े हाड़ हो गए खटियम पच एक दिन आ गए हैं कोला नंबर दे दे या में से आवत है ब्यूटीफुल की के नौकरी रोज जोर से झंझाट के उठाई
कहीं नहीं जाना कैसा ही सूते हैं जाके ही वो कह गए डोकरी कथे कैसे बिन सूत के है जबरदस्ती मतलब गाड़ी देते दे है नहीं ये जबरदस्ती मोल कैसे गाड़ी देते कहा हो गए हैं उठिस कहा हो गए कथे और मोबाइल में सजा है ब्यूटीफुल लिखा है डोकरी कथे में कौन हो नंबर नहीं दे को रोगामन जबरदस्ती में से भेजते दे चश्मा लगाई डोकरी देखी ते डोकरा बार फड़ा के आज के बार मोर मोबाइल मत छुए कर बकलू दांत नहीं भोबला हाँ आज तो तोर मुंह पर ते शंका कर थस दिखे कहाँ हो गए मोल दबा दे बेकार दबा दे बेकार चाहिए डोकरी किस नहीं दबाओ तो रात में छूते कब की छूते थे कहाँ हो गए कर ये ब्यूटी फोन नहीं हो ये चार्जिंग में चढ़ा दे हो बैटरी फुल हो गई थी अब बता 65 साल के डोकरी डोकराला 70 साल के ला पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर कौन कौन विश्वास कर से चल बता यहां तो विश्वास ही नहीं है भगवान के ऊपर भी नहीं विश्वास है सब तो मैं और करत कौन है मैं है अहंकार है गुरु है ये घर ला कौन बना इसमें हाँ टूरी टूरा बिहाल कर इसको में खेत ला कौन इसमें ट्रैक्टर ला कौन इसमें कर्जा कौन कर इसमें मैं हर नहीं उसने छनी भाई मैं सब में मैं दुख है तब भगवान के जी हाँ मीठ मीठ गुप गुप करू करू थू थू इसलिए भगवान के प्रति किसकी मन शंका मत हो कहीं ना कहीं मोर मन में शंका हो जाए प्रभु शंका मत हो मस्त जीवाचार्य प्रश्न पूछत रही से भगवान प्रश्न उत्तर देते से वही समय बात है ये भजन के बाद सियावर रामचंद्र की जय श्री उमा शंकर साहू रसेला वाले की ओर से पूरा 100 रुपये का अर्थदान भगवान राम के श्री चरण कमल में सादर समर्पित करे भगवान एक अन्न धन सुख समृद्धि से संपूर्ण रूप से पूर्ण करे और शायद हमारे गुरु जी हरे तैसे लाग थे उमा शंकर बोलो उमा शंकर साहू की जय अगर कुटुंब परिवार की जय हो गया बंद नहीं 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 कब एक खाना बंद बोल रहे खाना बंद हाँ उठा जा जी खेलन गंगोत्री सागर गौरचंद शिवराज देवराज देविका संतोषी समस्त सह परिवार फुलबहरा वाले की ओर से पूरा 100 रुपये का अर्थदान अर्पित है जयलाल साहू ओडिशा मागुर पानी जिला नुआपाड़ा की ओर से पूरा 51 रुपये का अर्थदान सादर समर्पित है एक बार दानदाता मन पर ताली बजा दो बोलो समस्त दानदाता की जय बोलो कर जीवन भक्ति की जय चल काय बोलबे का जी चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो आदरणीय मानस परिवार के संबंध में और आप जम्बो पुरुष वर्ग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जम्बो जन के लिए कौशल्य भंडारा में राम प्रसादी बने हुए आदरणीय जनों हो तो चलो बारी बारी से हम सबसे पहले पुरुष वर्गला नेवता देवर जावधन आप मन कौशल्य भंडारा में जाके प्रसाद ग्रहण करो यही आप सबों से हम अपेक्षा चाहते हैं पुरुष वर्ग से चलो आदरणीय जी आप पुनः तो मोहन की बंसी बजी वृंदावन की घाट में कैसा जादू डाला ही कन्हैया ये मुरली की राग में तो तेरी मुरली की धुन सुन सुन के मैं तो हो गई बावरिया जिया मोरी नहीं माने एक बिना सावरिया गंगा बढ़िया गदावरी की तीरथ बढ़िया धाम अवध्या बढ़िया काशी की कृष्ण बढ़िया राम अजी मतलब किसी दुनिया में कौन किसी का होता है धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है बोल आनंद कर भगवान की जय Thank you.
सुर पर रखा रावण के बहिनी और दुष्ट दलन दारुण दुख यहीं पंचवटी गई के बारा अबिकल भई देखी जुगल कुमारा। रावण के एक जन बहिनी रही से जेराड़ी हो गई से कथे कथे कथाए एनी न तहु नहीं रहन महु नहीं रहे सुने घर घर वाला का नाम विद्युत जीवर ही से करंट मारे वाला है ना। ये घर घर वाला मार गई से वह खाली हाथ ये छत्तीसगढ़ ही में रानी कथे रानी है नी अच्छा नहीं लागे वो गोठ आपके फिर कहना ज पड़ी किसे कर बेटा ना बताना है ता। एक बार वह भारत आ रही से वो कहां के लंका के
जो भारत में घूमे बर आ रही से, मतलब वार्निंग वाक आ रही से, एंजॉय करे बर कमे हेलीकॉप्टर में। ये एक बार के बात है, हमें बताया ना कि एक बार शब्द रामचरितमानस में 18 बार उपयोग कर रहे हैं, और जब जब एक बार शब्द उपयोग कर रहे हैं तब तब कुछ विशेष घटना घटित हुए है ना। घूमे बर आते ना जैसे बिहना, तो इसने भारत पेल दी उस समय के जब पंचवटी में भगवान राम लक्ष्मण सीता बैठे रही थी। राम लक्ष्मण सीतल देखीस ना, राम लक्ष्मण ला तुलसीदास जी लिखे ना, बिकल भई देखी जुगल कुमार, व्याकुल हो गए, आसक्त हो गए, जेकर उम्र लगभग वो जमाना में आज से 183,000 साल पहली वो जमाना में लगभग डोकरी हो गई से, एक कोठन दांत निरी से सुर पना खा के चिगम चुचरक ले खोगरी से, मजाक नहीं करा तुम्हें। हाँ खड़खल लेना सबो नहीं होकर जत जत का शरीर के त्वचा है ना, मांस मांस सब कोचरा कोचरी के राइट हो गई से, मतलब डोकरी। और जब राम लक्ष्मण देखी सुना उनका माइंड अपसेट हो गए, व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए है ना, तड़फे धरने सुतल ऐसे लागे जिसे मैं कब कब इनमें पा जाऊं, पति बना लूं है ना। अब सोची भी सुरपनखा कि पति बन ही कैसे, ये बन ही कैसे, मैं तो अंधेर खड़खड़ ला दिखा तो है ना। अब ये अंगस्टर है कब, राम इतना खूबसूरत रिस हो जमाना में, सबसे ज्यादा कहीं सुंदर रिस राम हाँ। जिस सीता सन नारी के जे मन व्यथित कर सकते, सीता जैसे पवित्र नारी जब राम ल देखीस ना, तो सीता अपन कर्म धर्म कर्तव्य मर्यादा सब भुला गए, और कितना खूबसूरत रीस हो, आखिल देखते तो आखिल देखते रह जाते, मुंह देखते रह जाते, हाथ ल देखते तो हाथ ल देखते रह जाते, इतना सुंदर इतना खूबसूरत। सुरपनखा राम ल पाया बनना, 6 महीना ले दूध में नहारी से, का में दूध में, और दूध के वो गुण है, दूध में नहावे ना तो शरीर में जो झुर्रिया है ना, शरीर के जो त्वचा है ना है और जो सिकुड़ गए कोचरा गए ना है ना, वो फ्रेश हो जाते फ्रेश, और नहाक देखबे नहाक देखबे ना भाई, भले भीतरी में खुश रहे अलग टाइप क्यों कर, कुछ तो गुण है जरीर जतका है सब तत्व के गुण है, तभी तो सब बिना गुण के थोड़े तत्व के निर्माण हुए, हर चीज के गुण है, हल्दी गुण है, मिर्चा गुण है, नमक के गुण है, तो इसने दूध के गुण है जो शरीर लग गर्मी प्रदान करते हैं, दूध से नहाए से शरीर में जितना झुर रही है ना वो फ्रेश हो जाते हैं, तो हूँ कहूँ नहावे ना हाँ, तो दुधहीन दुधहीन ममहावे ममहावे नहीं है, है? और स्पेशल सजाए बनना, इंग्लैंड से ब्यूटी पार्लर वाली आ रही थी, इंग्लैंड से ब्यूटी पार्लर वाली, जे राम माने सुरपनखा ला जे डोकरी से छोकरी बना दे उस टाइप के दिखे शरीर, और राजा घर का मोती की दुकान थोड़े है, हीरक दुकान थोड़े है, जेकर बारे में कभी मन लिखे है, अब तब व्यथित हो गए, इतना व्याकुल हो गए सुरपनखा हा, ते राम लग पाए बनना राम करा के ना, वो तो राम कर गाना गाल धर इसका थे, मोबाइल में कते गोठिया बो चल राम बिहावे कराबो, माया करे हन कोई गुना तो नहीं, प्रेम करे हन कोई सजा तो नहीं, छुप छुप ले कते गोठिया बो चलते कले नाक काटे बाबू की, अपन ना खेल कटवा रहे सही था जी, अपन ना खेल कटवा रहे इसका राम लपाए चक्कर में है सुने ओ राम लपाए बार अपन ना खेल कटवा रहे, कितना व्याकुल रही से राम की इस मोर पत्नी है ते देखा था और ते कोनास ओकर बारे में तुलसीदास जी लिखे, दुष्ट दलन दारुण दुख अहिनी, अहिनी मतलब
सरपनी अहिनी मतलब सरपनी दुष्ट हृदय के सरपनी लिखे तुलसीदास जी है। हाँ दुष्ट हृदय के सरपनी रही से भगवान कहिस कि अहे कुमार मोन लघु भ्राता वो कौन है वो सांप है कबर लक्ष्मण जी शेषनाग अवतारी है। शेषनाग मतलब हजार फन वाला शेषनाग क्या अवतारी है ते सरपनी ऐसा वो सांप है तो सांप और सरपनी के संजोग जमी जी है नी हमार तो नेत घात है थोड़ी जमी मैं मनसे हूँ ते लेडीज सांप आता कैसे मो नाक में खुशा जी बैठे है नी सांप और सांप के संजोग हो सकते जे राम ला चैलेंज कर रही से कोई मजाक न हो राम ला चैलेंज करना कोई मजाक है का तो सम पुरुष नमो समनारी वो जबाना में राम लपाया बट चौथा नंबर के विश्व सुंदरी बन के आ रही से ऐसे ही चौथा नंबर के विश्व सुंदरी हाँ जो पूरा ब्रह्मांड में जो सुंदर रही से चौथा नंबर जो मैं सबसे सुंदर सीता रही से दूसरा नंबर में खूबसूरत रही से मंदोदरी तीसरा नंबर में सबसे खूबसूरत रही से कैकेयी वो जमाना में हाँ। और चौथा नंबर में सबसे खूबसूरत बन के आ रही से सूर्पनखा खबर राम सबसे ज्यादा सुंदर रही से राम ला चैलेंज करना है कि तो रसन पुरुष नहीं है मोर रसन नारी भी नहीं है हैं ना हाँ। राम कर चल दीस राम की इसकी मोर तो पत्नी है और मोर एक जनऊ है लक्ष्मण देखो कुमारा है कुमार है यानी कुमार है मतलब खराब ला मारने वाला भी है वो कर चल दी है लक्ष्मण देखी सो मैं तो वो कथूंगा इसको है वो तो गाना गाल दिल इसको तो करे कर आई देखा है पहली बार कितना बेशरम रही सो ये बता कितना बेशरम काबर चाहे कतको आसक्त क्यों ना हो जाए कतको विषयाक्त क्यों ना हो जाए कितनो कामुक क्यों ना हो जाए पर स्त्री में सबसे बड़े धर्म होते स्त्री के सबसे बड़े श्रृंगार है लाज लाज सुने जिला तीन ठन नीति शास्त्र कहे गए अधिकारी गरम होना चाहिए व्यापारी नरम होना चाहिए दुकान चलावे नहीं बने और नारी मन में शर्म होना चाहिए महिला मला लजाना चाहिए लाज लाज सबसे बड़े श्रृंगार है ये का है सिर ढा के थे ये हरे लाज के प्रतीक हाँ ये लाज है जब स्त्री जब अपन सिर ढा के रहते विवाहित स्त्री कितना अच्छा दिखते अपन सिर लग हरे रहते कितना बेकार टाइप के लगते तो कितना सुंदर रहा फुलबहारा में मूल लौघार भर के रेंग दे जतका देखने वाला ना सबके नजर में खटक बे ए छोकरी इसने चे भैया जंग जंग ही है जब ले आहन बड़े जाने छोटे जाने भैया भड़ंग भड़ंग रेंग और कुछ नहीं मूड भला नहीं ढाके ना हाँ मूड भला नहीं ढाके भानक सुंदर है सच्चा दाते पर मूड भला नहीं ढाके है नहीं एकदम बेकार दिखत रहा पर सिर भला ढाके रहा सिर ढाक के रेंग देवे ना हर देखने वाला कहीं तो ना संस्कार वाली गए अच्छा घराना कोई भैया भले कर कलर ठीक नहीं है कलर थोड़ा डैमेज हो गए गर नक्शा खसरा अच्छा है नहीं, नहीं।, नहीं। पर आदत तो अच्छा है जी कहीं तो नहीं कहीं सब जन अच्छा दृष्टि से देखी नहीं देखी है कागसती मुड़ेज भर तो ढाकेस भाई यही हमारा लाज है तो स्त्री के सबसे बड़े श्रृंगार का है लाज महिला मला लजाना चाहिए हाँ फिर जतकी बेर बाबे ततकी बेर लजाए नो है हाँ। भाते मांगा थे तोर घर के है नहीं जी हम लाज लगत तो ठेंग वाल चाट डरी जी दिन भर जतकी बेर बाबे ततकी बेर लजाए बेर भर गया भैया वो तो साले माने थोड़ा मर्यादित रहना चाहिए कहने का मर्यादित रहना चाहिए पर तुलसीदास जी लिखिस ना भ्रात पिता पुत्र उर गारी अपुरुष मनोहर
निरखत नारी। जब स्त्री विषाक्त हो जाए, कामाक्त हो जाए, आसक्त हो जाए, तो लग समझ नहीं आए कि बेटा बरोबर है, धुन बाप बरोबर है, धुन भाई बरोबर है, उसको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, उसको कुछ नहीं चाहिए। सीमा है दल देखे है, आज चार चार जन लड़का है। अबे नथु लाल हमार भारत के टुरल देखे है, हैं सचिन ला वाह रे तेंदुलकर के डूब यहाँ आके झप्पावा तो नहीं देखा था है, तो इसने नजी हाँ इसे ताएगा काय कर बे यहू बेचारा काली बिहार मांगे जो कहा थे तो संसार के लिए अबे बेटा बहू कब समय आ गया ना शादी मालिकता जी है, तो दुनिया की रीति है, ये तो मुश्किल है। हाँ अब हमारे गांव में तो जाना थे मड़ेली के 56-57 साल के डोकरी हमारे गांव के वो पूरा नजी सैलून वाला 17 साल के अभी गाया भी पता नहीं है, हैं तब थोर बेहुदा दुनिया है जी, वो डोकरी हो गए है, तेरे शर्म कैसे नहीं आता भाई, सुरपनाखा डोकरी हो गए हैं, माटी में पटाक दिन आ गए हैं, और कितना बेशरम हद बता। एक कनी के जीवन में थोड़ा संयमित रहना सीखो, रामचरितमानस में बहुत सारे का एग्जाम्पल है, संयम ही जीवन के सबसे बड़े ब्रेक है, है? देख राम अपना अपना ब्रेक लगे ना, वो जमाना में इतना खूबसूरत और खूबसूरत के काला का जानता हमारे छुरा ब्लाक में नहीं है, सुंदर काला का थे हाँ वे एक से एक महिलाएं पर उस तरह सुंदर नहीं है। हाँ हेमा मालिनी देखे हैं, हार्ट अटैक आ जाइ तोला, अभी भी गुलाबी टाइप के दिखते, मजाक नहीं करो। हाँ ऐश्वर्या राय देखे कितना सुंदर है वो, हाँ चंदन लग जाइ तो राखी में निमान ये ना कहते सुंदर भैया, एक से एक सुंदर है दुनिया में है। पुरुड्ढा में हमन बैठे रहे जब एक जन पीला लिबास में ना तो काफी पिया तू सब टू फीस का है स्कर्ट में इस ना कार ले उतरी देखे न जतका बैठे रही से पुरुड़ ढाबा के सब के नजर ओकरे तनी गिस। हाँ हमार मन के काफी जुड़ा गए ड्राइवर का है मोला भी मोर बेलो रोक चक्कम दबा दो का मोरे जन्म खीता हो गई अब बता कितना सुंदर है। तो संयम तो है राम में, कितना संयम है त्रिश राम, अब आज का संयम है कोई संयम नहीं। 11 मार्च 2025 की बात है, ये 25 का था, सन 2011 25 मार्च की बात है, मोहदा ले रामायण पढ़ के नगरी हो साकरा हो गीत पढ़ जाते हैं काके 4 बजे के आसपास है, साकरा कब जहू ना नगरी साकरा लेकर सबूत जाना था, एक ठा रोड है निकल के रानी गांव के जेकर हमन खड़े रहे ना वी कर ले दुपट्टा कट के खमहरिया गए रानी गांव ले हमन कर कका घर चाह वहा पीबो कहा थे ता रानी गांव ले शायद खमहरिया जाते ही सुट रहा 10-20 की स्पीड में फटफटी लब गुरगुर गुरगुर चला चला आवत रही जी कबर गाड़ी होकर खमरिया तनी मुड़ी ओती ले कॉलेज वाले 3 झंटुरी मनहा मुहुल बांधे रही से अब हल्का हल्का पानी गिरत रही से अब चाहे पानी गिरत कहीं गिरे मई लोगन मन मुहुल नहीं हेरे भले वो पानी चुहक दी पर मुहुल नहीं खोले मने करते अब अपन मन देखा थे मजा पात रहते भुगतत ओतिल 3 झन कॉलेज वाली टूरी मना आतरी से ओतिल टूरा ये दोनों हमन देखत रहे न खबर बीच में था मन खड़े रहे अब बस गाड़ी में बैठबो की सोचत रहे कतका बैठ टूरा के नजर पड़ गई गाड़ी के एक्सीलेटर बढ़ गई मैं कि टूरा के जक मर गई और वैसे मारिस कट नहीं स्पीड में मोड़ना है तक टूरी मतलब देख केगा बने कही की स्टंट करिस ना कहां मारते एक स्लिप मार के गाड़ी सीधा नहर में फेंकी उकर बड़े जान नहर है तुमन देखू कबू जहू ते धन तो किस्मत असन्ना तुरा वो लड़का हा भाठा में फेंकी मैं के बस एक रो काठी पर गए कबर 4 दिन पहली विच कर एक्सीडेंट हो रही ते कर नहवन नहीं हो रही से काका गोठियाज भर रही से अब वो घटना देखे
मैं कहे करो काठी पार गिरे की गिरे दौड़ो रे एक एक दौड़े लैकल लहिया नाने तुरा बर पानी लानो वो कहीं करो छीतो मीतो हलाओ झुलाओ फोन वोन करो तब तक कि तुरी मन घलो कहा गए तुरी मन कहते कहा हो गए भैया कहा हो गए भैया मैं कहे तुहरे लागा छोटा थे बहनी है न तू मनो तिलाते उन्हें झप्पा है ये संयम कितना संयम नहीं है आदमी करा है आजकल मैं देखता हूँ भाई पूरा मन नौजवान मन गया है और तुरा मतलब देखते हो भाई ओ कोनो निंदैया देखी तो ओकर खेत में कूद गंदे न जा महाराज साला कथो में देखा मार बे तोड़ दई दादा मरही तोर भाई मरही ते तो एक दिन मर जाबे है एक कनिक तोर शराब तोर दई ददल जिंदगी भर तड़फे भर मजबूर कर दी दूठन घटना इच कर घट गे ना परम दिनों का भरवा मुड़ा में घटे हैं वो सब जाना था अब परिवारी के समझ जा और तुम तुहा से रिलेटिव जुड़े छो है नी एक मितान घलो करे मो हमारे घर गुरु जी ऊंचे रीत तबले जाना था है ना हमेशा रिश्ता नाता सब आए अवे दे दे कर वो अभी झप पैसना ये सिवनी के ये सब काए इसलिए भाई तुम्हारी स्टंट फिस्टन ल बंद करो कथो में है थोड़ा संयम रखो हाँ सुन मजाक थोड़े करत गा हाँ मैंने देखी तन सट ले मोबाइल निकाल ही हेलो कौन फोन लगे रह मत लगा रहे हमारे निजा नहीं कथस रे हम सब जानता है कथ में ऐसे थे संसार है तेकर से ते थोड़ा संयम से रहा नियम से रहा सिस्टम से रहा ये चीज के सब उपदेश देते अपन मर्यादा ख्याल रखो अपन माता पिता की इज्जत के थोड़ा सवाल के बात है ख्याल रखो है नहीं जिंदगी बहुत मुश्किल में मिले हैं बार बार नहीं मिले है कथा तो बहुत ज्यादा है लक्ष्मण जी नाक लकटवा दिस लक्ष्मण के द्वारा नाक कान कटना मतलब बेइज्जती होना नाक कान कटना मतलब बेइज्जती होना हाँ तुलसीदास जी के बारे में लिखी कि जैसे मानो कोई चुनौती दिस ये चुनौती एक सती लिखी कि राम हा सुतीक्षण के आश्रम में भुजा उठा के प्रण कर रही से सुने भुजा उठा के प्रण कर रही से निश्चर ही न करहु मही भुज उठाई प्रण कीन सब मुनिन के आश्रम और जाय जाय सुख दिन बनवास एकर सती के ऋषि की धरती में निशाचर हीन कर दूंगा है धरती ला मैं निशाचर हीन करूं कि भुजा उठा के प्रण कर रही से तेकर आज ना पहली फीता काटा थे जैसे फीता काट के उद्घाटन करते ना कोनो घर के तैसे निशाचर मन के समाप्ति बार आज सूर्पनखा रूपी फीतल काटिस हमार बीच में मानस मंडली हो गए मोर पौने दो घंटा थोई गए महोदय जी है ना बैंक बैंक भी जाना है इसलिए प्रसंग तो बहुत बहुत ज्यादा है गोठिया गोठियाते चले है नी बात बात में बात बढ़े ना हवा में बढ़े धान तेल फूल में लैका बढ़े पानी में बढ़े खीर में बढ़े कान बात बात में बात बाढ़ते रही इसलिए बस अति हरे ये प्रसंग के सब औचित्य है कि आप सब लोग थोड़ा मर्यादा ख्याल रखना है ये जिंदगी एक बार मिले है थोड़ा संयम से जियो सिस्टम से जियो डिसिप्लिन से जियो अनुशासन से जियो नियम से जियो एक बड़े रामचरित मानस के आयोजन करवा है अगर तुम्हारा समझ आत हो हिते और समझत हो सब पढ़े लिखे हो सब समझदार हो है ना यही आशा के साथ आप सबके श्री चरण में प्रणाम करत हो निवेदन करत हो ये भजन के बाद हमारे मानस मंडली बहुत जवान ले इंतजार करत है आप ये बड़ जवान के है ना बहुत जवान के इंतजार करत है आप सबके बीच में बहुत ही अच्छा मानस मंडली का आगमन होते और हमारे मन के और कहीं इमरजेंसी काम है तेकर से जाना पड़ा था बोले श्यावर रामचंद्र की ये भजन के बाद डायरेक्ट मन से विदा डायरेक्ट ललियाना है फुलबहरा से शिवानी साहू लीना साहू डाली साहू गायत्री साहू दुष्यंत साहू की तरफ से 50 रुपए का सदान अर्पित है दुर्गेश साहू रेणु साहू ग्राम फुलबहरा की तरफ से पूरा 100 रुपए का सदान अर्पित करे हैं देवनाथ साहू चमारिन बाई कारी माटी रसेला से 51 रुपए का सदान अर्पित है सोनित नेताम सरिता नेताम नितेन नेताम विकास नेताम दादर गांव नया के तरफ से पूरा 100 रुपए का सदान अर्पित है विशेराम पूरा परिवार दादर गांव नया के तरफ से पूरा 100 रुपए का सदान सादर समर्पित करे हैं भगवान राम के श्री चरण कमल में अटूट श्रद्धा सुख शांति और समृद्धि की अपेक्षा रखते हुए जीवन में बसंती बहार की अपेक्षा रखते हुए
एक बार जोरदार समस्त दान दाता की जय, पवन धारा ग्राम फुलबहरा की जय, समस्त संत समाज की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। दिन कैसन आगे घर घर माँ पाप समागे, जिनकी दिन कैसन आगे घर घर माँ पाप समागे, मन की मन पापी हो गए Thank you.
सावन की तीनिया के लखन सिया राम चंद्र की जय। अज जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से काली। कदम के डाल में कान्हा बैठे है, राधा माई खाले में ई प्रश्न करत है कि उत्तर दे देते कन्हैया। बड़ा प्रेम से उत्तर देते कान्हा, सुन प्रिय। अज जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काली। कान्हा धरे पिचकारी, राधा माई धरे कटोरा में रंग, गोकुल के गलियन में कैसे घोड़ेरी मचत है, आओ भजन के माध्यम से सुनने के प्रयास कर दो। प्रेम से बोल कन्हैया लाल भगवान की जय। Oh,
कटोरा ले आए तोरे रंग के कटोरा मथुरा ले आए तोरे रंग के कटोरा रंग के कटोरा राधा 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 रंग के कटोरा अरे तू बोल ले आए पेटे कारी बरज मां होरी मेरे नंदे लाल रंगों पे उड़ा दे लाल बरज मां होरी मेरे नंदे गो Go, go, go.